हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही यूनिक और ट्रेंडी नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग। नेक की कटिंग करने के लिए मैंने ये पेस्टिंग वाली बुकरम ली है। लेंथ इसकी मेरे पास 8.5 इंच है और ब्रॉडनेस इसकी फोल्ड में 6.5 इंच है। इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। आप जहाँ पर हम अपने नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे 3.5 इंच और लेंथ रखेंगे 5.5 इंच और इस तरह से हम मिलाते हुए एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। इस तरह से और ऐसे हम बोट शेप की शेप देंगे इस तरह से बोट नेक के लिए। जी देखिए, इस तरह से शेप देने के बाद अब हम जहाँ पर 1.5 इंच के गैप पर इस तरह से निशान लगाकर एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम नीचे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम ऊपर 1 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से और जहाँ पर हम 2 पॉइंट का निशान लगाएंगे, सिर्फ 2 पॉइंट का ही निशान लगाएंगे हम, जहाँ पर फिर 1 इंच का निशान लगाकर 2 पॉइंट का निशान और फिर हम 1 इंच का निशान लगाकर 2 पॉइंट का इस तरह से निशान लगाएंगे ऐसे। जी देखिए इस तरह से, और जहाँ पर हम इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब निशानों के ऊपर हम चौक की हेल्प से इस तरह से इसे डार्क करेंगे और इसे जहाँ से भी हम अच्छे से डार्क कर लेंगे ताकि जो ये निशान है ये दूसरी साइड पर भी ट्रेस हो जाए इस तरह से। जी देखिए इस तरह से हम दूसरी साइड पर भी इसे टेप कर देंगे। जी देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े निशान हमारे दूसरी साइड पर आ चुके हैं। अब इन निशानों को हम डार्क कर लेंगे इस तरह से। जी देखिए इस तरह से जो हमारा नेक ड्रॉ हो चुका है, अब हम नीचे भी इसी तरह से इस सिलाई को, इस निशान को कंप्लीट करेंगे। अब हम जहाँ से नेक की कटिंग करेंगे, सबसे पहले हम अंदर की साइड से नेक की कटिंग करेंगे। जी देखिए ऐसे नेक कट करने के बाद इसे हम जहाँ से कट करेंगे अब हम जहाँ से नेक को कट करेंगे, आपने भी नेक बनाते टाइम किसी रफ पेपर के ऊपर इस नेक को पहले ड्रॉ कर लेना अच्छे से, उसके बाद आप इसे बुकरम के ऊपर कट कीजिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए अब इसे हम जहाँ से कट कर देंगे जी देखिए इस तरह से जो हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है, अब इसको हम अपनी कुर्ती के साथ मैचिंग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। जी देखिए इस तरह से हमने पेस्ट कर लिया है और जहाँ से जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है इस फैब्रिक को हम इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इस नेक को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसका सेंटर का निशान लगाएंगे और ऊपर एक कट लगाएंगे और जहाँ पर हम एक निशान लगाकर इसे हम अपनी कुर्ती की फ्रंट साइड अटैच करेंगे। जी देखिए जी हमने कुर्ती ली है तो जहाँ से हम दोनों साइड 3.5 इंच का निशान लगाएंगे
और इस तरह से हम नेक को रखते हुए सबसे पहले एक सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और एक सिलाई हम सेंटर में लगाएंगे, इस सिलाई को हम नीचे तक लगाएंगे इस तरह से, सेंटर पॉइंट के साथ अच्छे से मैच करते हुए। अब एक सिलाई हम वहाँ जहाँ पर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से लगाएंगे। और एक रफ सिलाई हम जहाँ पर लगाएंगे ऐसे, अब हमने इस नेक के बिल्कुल पास पास सिलाई लगाएंगे, जैसे हमने नेक ड्रॉ किया है सेम वैसे ही, बहुत ही ब्रीक वफी के साथ हम जहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। जिस सिलाई हम बुकरम के ऊपर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल बुकरम के पास पास सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम पूरे नेक के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और जहाँ पर भी हम सिलाई लगा कर नेक को कंप्लीट करेंगे, जो देखिए हमने पूरे नेक के ऊपर सिलाई लगा दी है और इस सिलाई को मैंने डबल किया है। अब जहाँ से हम हाफ पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से नेक की कटिंग करेंगे ऐसे, जो देखिए अब हम जहाँ पर छोटे छोटे नोचेस लगा कर अंदर की साइड इस तरह से सारे नेक के ऊपर हम इसी तरह से नोचेस लगा कर इसे सीधा करेंगे ऐसे। इस तरह से हम इसके ऊपर नोचेस लगाएंगे। ध्यान रखें जो हमने सिलाई लगाई है वो सिलाई हमारी कट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही केयरफुली हम नोचेस लगाएंगे, और जो हमने रफ सिलाई लगाई है उस सिलाई को भी हम जहाँ से उधेड़ देंगे। जी देखिए इस तरह से ऐसे हमने पूरी सिलाई को हटा दिया है। अब इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे, देखिए ऐसे इस तरह से किसी शार्प चीज़ की हेल्प से हम इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे सारे नेक को। जी देखिए सारे नेक हम इसी तरह से इसे सीधा करेंगे। जी देखिए इस तरह से हमने पूरे नेक को सीधा कर लिया है। अब इसके ऊपर हम प्रेस के साथ अच्छे से बैठा लेंगे। जी देखिए हमने इसके साथ प्रेस के साथ इसे अच्छे से फिनिश कर दिया है। अब हम जहाँ पर एक रफ सिलाई लगाएंगे इस सिलाई को हम तुरपाई करने के बाद खोल देंगे। जी देखिए अब हम जहाँ पर मैंने जो गोल्डन कलर के बीड्स लिए हैं जो हम इनके ऊपर अटैच करेंगे, आप इसके ऊपर कोई भी बड़े या छोटे बीड्स इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये नॉर्मल साइज के ही बीड्स हैं तो हम इसके ऊपर अटैच कर देंगे इस तरह से। आप इसके ऊपर बड़े बीड्स लगाएंगे तो वो और भी अच्छे लगेंगे। इस तरह से हम पूरे नेक के ऊपर इसे अटैच कर देंगे इस तरह से। जी देखिए ऐसे अब हम दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से इस बीड्स को अटैच कर देंगे। बीड्स को हमने बहुत ही टाइट अटैच करना है, किसी भी तरह से जो हमारा बीड्स लूज नहीं रहना चाहिए ना ही निकलना चाहिए, बहुत ही ध्यान से हम इसे स्टिच करेंगे। और पूरे नेक के ऊपर हम सेम इसी तरह से सारे बीड्स को अटैच कर देंगे। जी देखिए ऐसे जी हमारा पूरा नेक बनकर रेडी हो चुका है।
जी देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा जो नेक बन चुका है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपने नेक की चौड़ाई और लंबाई ले सकते हैं, लेकिन ये लंबाई और चौड़ाई बहुत ही परफेक्ट बनी है हमारे नेक के ऊपर। जी देखिए पहनने के बाद इसकी इस तरह से जी लुक आएगी। अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इसी तरह की स्टिचिंग की वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू।